इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और अब गुरुवार को वेटरन एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को वह दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। सोशल मीडिया पर फैंस के तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कई सेलेब्स को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हकीकत है। अपने ट्वीट्स में भी कई सेलेब्स ने कहा है कि हम सपना देख रहे हैं, हकीकत नहीं। ऋषि कपूर के चाहने वालों की कोई कमी नहीं। ऐसे में कॉमेडियन सुनील पाल ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया है। एक और सदमा बॉलीवुड के लिए, लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे। बॉलीवुड के लिए, सिनेमा जगत के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सदमा। ऋषि कपूर, द ग्रेट ऋषि कपूर, लेजेंडरी ऋषि कपूर, अभी हम इरफान खान साहब के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे। यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि इरफान साहब हमारे बीच में नहीं है। ऋषि कपूर साहब का सदमा, बॉलीवुड को किसी की नज़र लगे, कैसा मनहूस समय चल रहा है, कैसा मनहूस समय चल रहा है। एक के बाद एक ऐसे सदमे कैसे बर्दाश्त करेंगे हम इंसान हैं। फैन हैं उनके, ऋषि कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तो सबके सबके आइडल हैं वो। बचपन से उन्होंने करियर शुरू किया था मेरे नाम जोकर में, बच्चों के चाहते हो गए थे बॉबी में, युवाओं के, यूथ के, टीनेजर्स के, उसके बाद मैच्योर लोगों के बहुत सारी 70s और 80s की फिल्मों में, और उसके बाद अब वो उन्होंने दूसरी बारी शुरू की थी जिसमें वो कैरेक्टर में आ गए थे, डी डे, अग्निपथ 102, इतने हरफन मौला, हर तरह के काम करते थे। मेरे साथ कभी, मुझे तो मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन एक बार जब वो पुलिस के शो में मुझे मिले थे तो मैंने उनके पैर छुए थे, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए थे, जैसे जैसा लग रहा था वो मुझे जानते हैं। ऋषि साहब, आपका जाना बॉलीवुड के लिए, हम सब के लिए, हम सब फैंस के लिए बहुत दुखद है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। क्या कर सकते हैं इंसान, यहाँ पर मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। भगवान आपके परिवार को और आपके सारे चाहने वालों को, हम सब फैंस को ये सदमा सहने की ताकत दे, और आपको ईश्वर, आपका तो नाम ही ऋषि है, स्वर्ग में जगह दे और उच्च स्थान दे, यही प्रार्थना है। लेकिन आपका काम, आपकी मुस्कुराहट, आपके गाना, संगीत, अदाकारी सब हमारे दिल में है और हमेशा हमको इंस्पायर करते रहेंगे। लव यू सर। बुधवार को सुनील पाल का एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इरफान खान को खोना सुनील पाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जी हाँ, सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सुनील पाल खुद रोते हुए नजर आ रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं, इरफान खान के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। इरफान भाई, मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज़ निकाली थी तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया। इरफान, मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज़ निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ। इरफान, इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान, जब जब आपके साथ मुलाकात होती थी, फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्रेजी फोर में जब आप मुझे मिलते थे तो कहते थे मेरी आवाज़ निकाल, मुझे सुना। कहाँ चले गए भाई, प्लीज़ ये सदमा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान, ये गलत किया है भाई आपने, ये गलत किया। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता।
एक ही हफ्ते में बॉलीवुड ने दो शानदार कलाकारों को खो दिया है। ये वक्त जहां देश दुनिया के लिए सही नहीं चल रहा है, वहीं बॉलीवुड के लिए दो बड़े झटके झेलना किसी सदमे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।